सुनो सुनो सुनो, वीडियो देखना नहीं देखना वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए 5 ऐसे गेम लेकर आया हूँ जो कि मतलब GTA 5 के एकदम अल्टीमेट वाले अल्टरनेटिव है, जो तुमको खेलना बहुत ही जरूरी है अगर तुमने वाले गेम्स नहीं खेले। और जो नंबर 3 वाला है और नंबर 5 वाला, भाई ये तो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना अगर तुमको भी इन गेम का मजा लेना अपनी लाइफ के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो पहले नंबर का गेम है उसका नाम है माफिया 3, और तुमको मैं इस गेम का बेसिक यहाँ पर समझा देता हूँ कि भाई इस गेम को देखो डेवलप किया 2K Games। ये एक एक्शन एंड एडवेंचर से भरपूर गेम है। यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप GTA 5 के अंदर करते हैं, लाइक कार चलाना, बाइक चलाना, गोली वोली सब कुछ चला सकते हैं। तो इस गेम की जो स्टोरी है वो बेस्ड है 1960 की, जब वहाँ पर गैंग वॉर चलता था, माफियागिरी चलती थी वहाँ पर US के अंदर, तब की स्टोरी है गाइस। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आपको एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना और बहुत ही अच्छे लेवल का गेम खेलना, लाइक ग्राफिक वाइज परफॉर्मेंस एंड ऑल सब कुछ आपको अच्छा चाहिए, तो आपको ये वाला गेम जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको गाइस बहुत अच्छा लगेगा ये वाला गेम। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम। तो जो सेकंड नंबर का गेम है इसका नाम है स्लीपिंग डॉग्स, और ये गेम मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर इसको डेवलप किया भाई अपने स्क्वायर एनिक्स ने, और हांगकांग के अंदर ये गेम अपना बेस्ट है। ये भी पूरा एक्शन एंड एडवेंचर से भरपूर गेम है। इसके अंदर भी आप फुल फाइटिंग वाइटिंग सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट फाइटिंग का कल्चर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे भयंकर लेवल के मतलब फाइटिंग के मूव्स यहाँ पे कर सकते हैं, गन वन सब चला सकते हैं। तो ये गेम भी बहुत ही शानदार एक अल्टरनेटिव है GTA 5 का, अगर आप उस टाइप के गेम खेलना पसंद करते हैं, और ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपना प्लेयर है भाई, ये एक अंडरकवर ऑफिसर रहता है। यहाँ पर आपको बहुत सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन चलती, लाइक ड्रग्स एंड ऑल सब इन्वॉल्व रहता है उसके अंदर, वेपन एंड ऑल की तस्करी बोलते हैं जिसको, स्मगलिंग एंड ऑल। तो ये सबको अपने को ढूंढना है, फोड़ना है इस गेम के अंदर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये अपना बंदा यहाँ पे फोड़ रहा है सबको, तो ऐसे ही आपको भी सबको फोड़ना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ गाइस, अगर आपने ये वाला गेम पहले नहीं खेला तो इसको जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। ये गेम बहुत ही शानदार है, आपको मजा आ जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है गाइस। तो आइए चलते हैं अब अपने तीसरे गेम की तरफ। तो जो तीसरे नंबर का गेम है इसका नाम है भाई वॉच डॉग 2। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था गाइस कि जो तीसरा नंबर एंड जो पांचवा नंबर है वो मेरा फेवरेट गेम है इस लिस्ट के अंदर। तो ये मेरा वही फेवरेट गेम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये गेम भाई डेवलप किया अपने यूबीसॉफ्ट ने, और ये गेम तो भाई बिल्कुल रेप्लिका लगता है मुझे GTA 5 का। इवन इसके ग्राफिक बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं GTA 5 से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं। और इस गेम को बनाया भाई अपने यूबीसॉफ्ट ने, जो कि बहुत ही जानी मानी कंपनी, असैसिन क्रीड की सीरीज उनकी है पूरी, और वॉच डॉग की सीरीज भी इनकी है। तो भाई ये बहुत ही शानदार लेवल के गेम बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल के गेम बनाते हैं। यूबीसॉफ्ट को भी आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैं तुमको इस गेम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। यहाँ पर अपना एक बंदा है जिसका नाम है मार्कस, जो कि हैकर है, यंग हैकर है भाई, अच्छी इथिकल हैकिंग करता है, मतलब रॉबिन हुड टाइप है, मतलब लूटता है, उनके पैसे लेता है, मतलब अच्छे लोगों को परेशान नहीं करता है। बाकी आप जो उससे करवाना चाहो ये वो भी कर देगा। गाड़ी से किसी को ठोकना है, गाड़ी चलानी है, मतलब जो गाड़ी चलानी, प्लेन उड़ाना है, ड्रोन चलाना, आप सब कुछ इस गेम के अंदर कर सकते हैं। ये गेम बहुत ही ज्यादा हाईटेक है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं GTA 5 से। यहाँ पर आपको एक तो ग्राफिक बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको एक एक गली मतलब ओरिजिनल देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। किसी गेम के अंदर आपको इतना ओरिजिनल मैप देखने को मिलता है, वो भी सारे सही नाम के साथ, यहाँ पर कुछ भी उल्टे सीधे नाम नहीं रख रहे लाइक GTA 5। तो ये गेम भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, अगर आप GTA 5 खेलकर बोर हो गए तो आपको ये वाला गेम जरूर खेलना चाहिए। तो आइए चलते अब अपन अपने चौथे गेम की तरफ। तो जो नंबर 4 वाला गेम इसका नाम है जस्ट कॉज 4, मतलब जैसा नंबर वैसा इसका नाम, जस्ट कॉज 4 पे आए दोनों, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर। एनीवेज इस गेम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ भाई, ये भी एक एडवेंचर एक्शन वाला गेम है, मतलब इसके अंदर भी आप सब कुछ कर सकते हैं, और ये गेम थोड़ा सा और ज्यादा हाईटेक मुझे लगता है। इसके अंदर आप बहुत शानदार मूव कर सकते हैं, गन चला सकते हैं, कार से उड़ सकते हैं, पैराशूट से कूद सकते हैं, आप इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर स्टोरी जो होती है वो भी अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है। तो ये वाला गेम भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, अगर आप GTA 5 खेलकर बोर हो चुके हैं तो आपको कुछ नया मसाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मुझे मिला था जब मैंने इस गेम को पहली बार खेला था। तो मुझे ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। मैंने सोचा भी था कि जब भी मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टॉप 5 ओपन वर्ल्ड गेम बताऊंगा, तो उसके अंदर मैं जस्ट कॉज 4 को जरूर इंक्लूड करूंगा। तो आज मैंने जस्ट कॉज 4 को अपनी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाला गेम मैंने बहुत खेला, ये वाला गेम मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका है। तो आपको भी ये वाला गेम जरूर ट्राई करना चाहिए गाइस। और इसके और भी पार्ट्स हैं, लाइक 2 है, 1 है और 3 भी है। 2 तो मैंने नहीं खेला लेकिन 3 बहुत अच्छा है। 3 और 4 मैंने खेला है, मेरे को बहुत पसंद आया था ये वाला गेम। तो आप भी ये वाला गेम जरूर खेलना। तो आइए चलते हैं अपने पांचवें और आखिरी गेम की तरफ। तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, जो नंबर 5 के ऊपर गेम है भाई, वो तो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट गेम है, जिसका नाम है भाई RDR2, यानी कि रेड डेड रिडेम्पशन 2, जो कि भाई किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। ये गेम भाई वन ऑफ द बेस्ट, अगर ओपन वर्ल्ड की अपन बात करें, इसका ओपन वर्ल्ड सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे लगता है जितने भी गेम मैंने आज आपको यहाँ पर बताएं। ये गेम भाई नेक्स्ट लेवल का गेम है। लाइक जो लेजेंड गेमर होते हैं, जिनको ऐसे गेम्स पसंद आते हैं, घोड़ा वोड़ा चलाना एंड ऑल, जो जंगल में घूमना, नेचर के करीब रहना, भाई उनको ये गेम बहुत ही शानदार लगने वाला है। मुझे तो ये वाला
गेम बहुत शानदार लगा था। तो ये गेम को रिकमेंड मैं नहीं करूँ ओपन वर्ल्ड गेम की लिस्ट में, तो भाई ये तो नाइंसाफी हो जाती, ये मतलब बहुत गंदी बात हो जाती। तो इस वजह से मैंने इस गेम को यहाँ पर डाला है, जो कि भाई मेरा तो बहुत ही ज्यादा ये फेवरेट गेम है। मेरा तो ये वीडियो बनाते टाइम मेरा फिर से मन होगा कि यार वीडियो को साइड में रखते हैं और इस गेम को अपन खेलते हैं, यार कितना शानदार गेम है ये वाला। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, मुझे तो ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है और आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है गेम अगर आप इसको खेलते हैं। तो मेरे भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे वीडियोस और बनाए हम, तो भाई जो लाल बटन है ना उसको फोड़ दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी कर देना वीडियो को और कमेंट करके नीचे बताना कि नेक्स्ट वीडियो अपन कौन से गेम पर यहाँ पे बनाए। तो कमेंट करके नीचे बता देना तुम्हारे लिए चैनल बनाया तो तुम्हारी बात मैं सुनूंगा ही सुनूंगा। दैट्स इट, मैं मिलता हूं तुमसे अगली बार। टिल देन हैप्पी गेमिंग।